Hi. Hey guys, welcome to my channel. तो आप देख सकते हो ये मेरे साथ टाइगर है. एक्चुअली मेरे हाथ में इसकी बोन है, जो आपको दिखाऊंगा. तो इसके लिए इतना कर रहा है. थोड़ी सी ट्रेनिंग इसको दी है अभी, सिर्फ थोड़ा सा है, वरना बहुत शरारती है ये. तो आज की वीडियो में हमारा मेन पर्पज़ जो आज की वीडियो को बनाने का है, वो कि एक ये हिमालयन बांध पपी है, हिमालयन बांध डॉग है ये. तो आप एक हिमालयन बांध पपी को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, वो हमारा मेन पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको उसके पेरेंट्स देखने हैं. इफ बोथ द पेरेंट्स आर बांध डॉग, तो वो आपका पपी भी बांध डॉग ही होगा, है ना. तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि मैक्सिमम चांसेस, ये देखो आप इसको ना, बहुत शरारती है. अगर बोन नहीं होती ना मेरे पास तो ये इतने को तो बिल्कुल. तो चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी. तो फर्स्ट चीज़ आपको देखनी है, पेरेंट्स उसके देखने हैं. दोनों बांध पपी होने, बांध डॉग होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. तो पपी तो वो जेन्युइनली वो बांध होगा ही होगा. द सेकेंड थिंग इज़, जब आप किसी भी पपी को परचेज करते हो, ये बांध के केस में भी और किसी और पपी के केस में भी, तो कोशिश करें उसको आप 2 महीने के बाद ही परचेज़ करें, है ना. एक डेढ़ महीने, 1 महीने के अंदर हमारे को पता भी नहीं लगता है कि भाई वो डॉग कौन सी ब्रीड का है, कौन सा है. तो अगर आप एक अच्छी ब्रीड को कंसीडर लेना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप उसके पेरेंट्स देखें. एंड सेकेंड थिंग, उसको आप 2 महीने के बाद ही परचेज़ करें. अगर पैसे का ज़्यादा, थोड़े पैसे ज़्यादा देना पड़ रहे हैं, तो उसको उनको बोलो कि भाई हाँ, 2 महीने के, जब पपी 2 महीने का होगा हम उसके बाद ही लेंगे. तो आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है ना. एंड अब ये चीज़ें तो जो है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम जिस चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते. अब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, वो है कि भाई इसका हम फेस दे सकते हैं. रुको, नो बॉय, सिट सिट, नो. तो आप इसका फेस दे सकते हो साइड फेस से. इसका जो नीचे वाला जॉज है, वहाँ पे थोड़े से बाल ज़्यादा होते हैं, अब आपको इसमें भी दिख रहे होंगे. तो फर्स्ट, ये बांध पपी की मतलब ये मेन स्पेशलिटी इसमें यही है कि भाई जो इनका जॉज, ये छोटे बारी में भी होता है. अगर ये आप 1-1.5 महीने का पपी देखोगे, उसमें भी ये चीज़ है, ये भाई बहुत शरारती है. नो, तो उस पर भी ये आपके यहाँ पे दाढ़ी वाली चीज़ में बाल रहेंगे ही रहेंगे, है ना. तो पहली चीज़ आप वो सकते हो. दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, उनके जो ईयर्स है वो थोड़े से बड़े रहते हैं कंपैरेटिवली और डॉग्स के, मतलब उतने आपको जो गद्दी और हिमालयन बांध डॉग है. नो बॉय, सिट. वो जो ईयर्स है आप इसके भी देख सकते हो, तो काफ़ी लंबे से इसके मतलब साइड में होते हैं और अपार्ट होंगे. मतलब ये देखो, लो खाओ इसको, ये आप देख सकते हो. तो जो इनके बीच का स्पेस होगा, ये थोड़ा ज़्यादा होता है. ईयर्स थोड़े से, ओह ये देखो, गुस्से वाला भाई ये बहुत, है ना. तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी होती है. जो इनकी टेल होगी वो कर्ल टेल होती है, नॉर्मल नहीं होगी, सीधी नहीं होगी, लंबी सी टेल होगी. लंबी इन द सेंस कि कर्ल्ड होगी वो टेल, है ना. इधर को आना थोड़ा. एंड नहीं लेंगे भाई, आपसे कुछ नहीं लेंगे हम. दिस इज़ योर बोन. और पॉज आप देख सकते हो, थोड़े से ब्रॉड पॉज होंगे, अच्छे होंगे. मेन तो वही यार, साइड में अपने वो देखना है कि भाई बाल इसके है कि नहीं है. और एक और छोटा सा फीचर है जो आप मतलब देख सकते हो, वैसे ही ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये इसमें होगा ही होगा. इनके जो पंजे होते हैं ना, जो नाखून जो होते हैं, वो जनरली 20-22 होते हैं, 18 भी होते हैं, बट बहुत कम केसेस में होते हैं, मतलब 10-1% केसेस में होते हैं, बाकी इनके 20-22 होते हैं. तो वो एक छोटा सा आप एक एडिशनल फीचर रख सकते हो. मेन यही है कि भाई पेरेंट्स इनके अच्छे से देखो, 2 मंथ्स के बाद ही परचेज करो, जब आपका डॉग थोड़ा अडल्टहुड में चला गया है. अडल्ट इन द सेंस कि मतलब पूरा भी बच्चा नहीं है, देखो बोनिस ने ख़त्म भी कर लिया है ना. गुड बॉय, नो. और नोज़ भी ब्रॉड रहेगा, और इनका मजल भी थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा. जैसे गद्दी पपी का थोड़ा सा पतला रहता है आगे से ना, उतना मतलब ब्रॉड ही होता है, बट इनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा पतला रहता है, है ना. तो ये कुछ फीचर्स है. और ये देख सकते हो टेल, आप इसकी देख सकते हो कैसे कर्ल्ड टेल है. और बस यही है, और चेस्ट ब्रॉड रहती है, वो सब चीज़ें आपको पता ही है. तो दिस इज़ इट, एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, है ना. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय.